पहलाक प्रणाम नमस्ते और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज मैं आपको अपने गांव की सैर करवाऊंगा। ये है विशाल गांव का नज़ारा, आप देख सकते हो, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है क्योंकि आजकल बारिश बहुत अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है हमारे गाँव के चारों तरफ। गाँव में आजकल इतना अच्छा मौसम है कि गर्मी बिल्कुल भी फील नहीं होती है, हमेशा ही ठंडी हवाएं चलती रहती हैं और बारिश लगातार होती रहती है, जिससे गर्मी का कुछ भी पता नहीं लगता है। ये है हमारे घर का बगीचा, जिसमें आपको तरह तरह के फल फूल पेड़ और सब्जियां दिखेंगी। और जो ये सामने आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये माल्टे के पेड़ हैं। हमारे विशाल गांव में माल्टे काफ़ी होते हैं, जिन पर छोटे छोटे माल्टे भी लगे, और अभी भी बारिश हो रही है। ये फूल देख सकते हैं, फूल लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये है पहाड़ी बीन्स, और इसके साथ में मक्की और कद्दू भी लगा हुआ, और खीरे भी लगे हुए हैं। और ये है हमारा घर। ये है हमारे गांव में महादेव जी का मंदिर, जो कि बहुत पुराना है और अब इसे नए ढंग से बनाया गया है। यहाँ पे हमेशा लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। मंदिर में आके हमेशा एक सुकून सा मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जय भोलेनाथ। यही मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति भी है। मंदिर से पूरे गांव का नजारा और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है, देखिए। मंदिर के बाद हम लोग इस जगह पर आए, और इस जगह का नाम है कठा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये धारा बह रही है, और ये नेचुरल वाटर है। बांज बुरास की जड़ी बूटियों से होता हुआ ये पानी आ रहा है, और इस जगह पर लोग गाय भैंस चराने आते हैं और घास लेकर भी जाते हैं। कठा से हमारे गांव का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हमारे अपने कुछ खेत कठा में भी हैं, और यहाँ से देखिए विशाल कितना हरा भरा लग रहा है। और ये है विश्वेश्वरी माता का मंदिर, जो कि गांव से नीचे जाकर के ये है। और ये हमारी कुल देवी भी है, यहाँ पे हमेशा लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। और जब भी कोई त्यौहार होता है या फिर नवरात्रे होते हैं, यहाँ पे भजन कीर्तन भी किया जाते हैं। और आप देख सकते हो मंदिर बहुत ही नए तरीके से बनाया गया है, वैसे ये बहुत पुराना मंदिर है। जय माँ विश्वेश्वरी, इसी तरीके से सब पर कृपा बनाए रखना। अभी मैं हूँ अपनी गांव की गौशाला में, आप देख सकते हो यहाँ पे दो बाछी हैं। गढ़वाली में हम गौशाला को साई बोलते हैं, और हमारे गौशाला में तीन गाय हैं, जिसमें से दो का रंग काला है और एक का लाल रंग है, और साथ ही साथ एक छोटा बछड़ा है और एक छोटी बाछी। जब भी मैं अपने गांव जाता हूँ तो अपनी गौशाला जरूर जाता हूँ। पहाड़ों में सबसे अच्छी बात यह है कि आप गाय भैंस रखते हो तो उनसे आपको दूध मिलता है, जो कि प्योर होता है, और आपको बाहर से मिलावटी दूध नहीं लेना पड़ता है। ये गाय मुझे देख करके ऐसा कर रही है, इनकी हमेशा अच्छी देखभाल होती है, इसीलिए ये देखने में बहुत ज़्यादा फिट लग रही है और बहुत ही सुंदर लग रही है। अभी इनको घास ला करके दिए हैं, तो अभी देखिए खा भी रही हूँ। हमारे गाँव में गौशालाएँ थोड़ा दूर जाके होती है। ये है अंजीर का पेड़, जिसे हम गढ़वाली में तिमला कहते हैं, और ये हमारे घर के पास में ही है। ये सामने आपको जो दिख रहा है वो जे डूंगरा है, और वहीं पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, जहाँ पे ट्वेल्थ के बाद कॉलेज के लिए सब लोग जाते हैं। ये जो रोड आपको दिख रही है, ये आगे जाते हुए ये गोपेश्वर की रोड है, यहाँ से हम गोपेश्वर डायरेक्ट जा सकते हैं। सामने आपको जो पहाड़ दिख रहे हैं, उस तरफ गाँव आते हैं गुलियत, सरना, गुगली, विशाल और बेणा। आज दूसरा दिन है, शाम हो चुकी है, तो हम लोग घूमने निकले हैं, और 1 किलोमीटर बाद दूसरा गांव आता है पाप। हमारे विशाल गांव से पाप गांव केवल 1 किलोमीटर की दूरी पे है, और अभी शाम का वक्त है और हवा बहुत अच्छी चल रही है। जितने भी पेड़ आपको दिख रहे हैं, ये बांज और बुरांस के पेड़ है, और ये काफल का पेड़ है, जिसमें काफल लगे हुए हैं। सामने जो आपको रोड दिख रही है, ये बामनाथ मंदिर के लिए भी जाती है, गोपेश्वर, नेल, सेम, सांकरी, इन सभी गांवों के लिए जाती है। मैं पहुंच चुका हूं पाप गांव के गेट पे। विशाल और पाप पहले एक ही गांव था, और आप देख सकते हो ये पाप गांव का व्यू है यहां ऊपर से, और ये फूल खिले हुए हैं जो कि जंगलों में होते हैं, और साथ में आप देख सकते हो ये रास्ता जा रहा है पाप के लिए, कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम पाप गांव के देवी के मंदिर में जा रहे हैं। ये वैसे तो बहुत पुराना मंदिर है, लेकिन अब इसको नए ढंग से बनाया गया है,
जय माँ दुर्गा। मंदिर के आसपास बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह बनाई है और साथ में माता की स्थापना भी करी है इन्होंने और मंदिर को बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। ये पहाड़ी घर है जो कि पहले हमारे गढ़वाल में काफी बनते थे। मंदिर के पीछे ही ये घर है। घर के एंट्रेंस यानी गढ़वाल में जिसे हम खोली बोलते हैं उस पे गणेश भगवान की प्रतिमा बनाई जाती थी। इन घरों के आकार को छज्जा, धुरपल्ला, तिबारी और डंडियाली कहते हैं। ये है मेरा प्यारा गांव विशाल और पाप। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज नीरज त्रिपाठी। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।